बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 14। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वर्ल्ड वार वन जो है वो उसमें ब्रुकफील्ड की कंट्रीब्यूशन देखी हम लोगों ने। इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेंट बाय चिप्स लेटेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे जो है वो स्टूडेंट्स थोड़े डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि ये किस किस्म का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कि लेटेस्ट से मुराद क्या है, कि नई चीज़ कोई भी। चिप्स लेटेस्ट से मुराद क्या है, कि चिप्स का कोई भी नया जो जोक वो बनाता था उसके बारे में है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल की थी। लेकिन ये सेंस ऑफ ह्यूमर प्रोड्यूस उसमें इंट्रोड्यूस करवाई थी कैथरीन ब्रिजेस ने। अब कैथरीन ब्रिजेस की जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी वही अभी तक जो है वो उसके जहन में है, वो उन चीज़ों को लेकर चलता है। अब उसकी एक्चुअल में चिप्स लेटेस्ट से मुराद क्या है, चिप्स से लेटेस्ट से मुराद ये है कि उसके कोई भी फ्रेश जोक जो हैं, जो उसके जोक होते थे, मजाक होते थे, उनको जो है वो नाम दिया गया है राइटर के, राइटर ने उसको नाम दिया है चिप्स लेटेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड चिप्स बिकम एक्टिंग हेड। कि पहली दफ़ा हमने देखा कि वो एक्टिंग हेड बना, अब दूसरी दफ़ा जो है वो एक्टिंग हेड बन रहा है। छोटा सा चैप्टर है इसका, 4 से 5 क्वेश्चन है इसके जस्ट। सो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जितने भी इसके क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिप्स जो है वो पहली दफ़ा हेड बना, अब दूसरी दफ़ा जो है वो ये पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड चिप्स बिकम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द सेकेंड टाइम। सो मिस्टर चैटरिस जो कि बीमार पड़ गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो उस ड्यूरिंग जो है वो मिस्टर चिप्स ने एक्टिंग हेड का काम किया था, और वो डेट कौन सी थी, 1917 में मिस्टर चिप्स जो है वो सेकेंड टाइम, क्योंकि 1913 में हमें पता है मिस्टर चिप्स जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन दोबारा से उन्होंने क्या किया था, फिर मिस्टर चैटरिस ने उन्हें 1917 में दोबारा से मिस्टर चिप्स को रिक्वेस्ट की थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चीज़ें उनसे प्रॉपरली नहीं चल रही, तो उसने मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी हेल्प आउट करें, और मिस्टर चिप्स ने उनकी हेल्प आउट की थी। फिर जब उन ज़्यादा जो है वो उनकी जो तबीयत थी वो क्रिटिकल हो गई थी, तो उसमें सीरियसनेस की वजह से मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर चिप्स व्यूज अबाउट बेनर्ड प्रैक्टिस कहा जाता है संगीन क्या कर, जिससे एक स्फीयर किस्म के। अब बेनर्ड प्रैक्टिस एक्चुअल में होती क्या है, हमने देखा कि गन के आगे जो है वो एक छुरी टाइप जो है वो लगी होती है, छुरी सी लगी होती है, जिससे जो है वो उससे भी मारा जाता है, पिस्टल से जो गोली है उससे भी मारी जाती है, लेकिन गन के आगे एक छुरा लगा होता है, उसको कहा जाता है बेनर्ड प्रैक्टिस। और मिस्टर चिप्स इसकी चीज़ के बहुत ही खिलाफ था, कहता कि क्या है ये, कि ये जो है वो इसको बेनर्ड प्रैक्टिस, इसलिए वो कहता है संगीन किस्म की मशक है ये, इससे जो है वो इससे बढ़ के किसी को मारना, इससे बदतरीन कोई मार नहीं हो सकी, कोई कत्ल नहीं है जिससे ये छुरे से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब चिप्स रूटीन ऑन हिज ज्वाइनिंग ब्रुकफील्ड। यानी कि उसने रीज्वाइन किया था, रिटायरमेंट ले ली थी 1930 में, और 1970 में दोबारा से उसने जो है वो ज्वाइन किया, तो उसकी रूटीन क्या थी। अब रूटीन उसकी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि हमने देखना कि रिटायरमेंट के बाद उसके जो है पिछले चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि उसने जो है वो बिल्कुल स्मूथली उसी तरह चलता है, बेल्स को देखता है, बेल्स की से ब्रुकफील्ड की जो बेल्स बजती हैं उनसे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता जा रहा है। सो उसकी रूटीन वही है, वो अपने जो लेक्चर्स हैं, अपनी जो हर चीज़ है उसको प्रॉपरली, जो जोक्स हैं उसी तरह शेयर कर रहा है।